खरखोदा शहर में दो अजनबी लोगों के आने एवं उनके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की अफवाह पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर नितिन फलसवाल ने बताया कि ऐसे लोगों पर सख्ती से नजर रखी जा रही है, जिसकी जानकारी देते हुए बताया गया कि ये दो लोग जिनके घर पर आए थे उस परिवार को घर पर ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर फलसवाल ने बताया कि खरखोदा उपमंडल के बिधलान गांव में भी कुछ लोगों को एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन किया गया है। जो वार्ड नंबर एक खरखोदा में आपके संज्ञान में मामला आया है वो ये है कि उनके उस घर में जो पीर की मजार के पास है वहां पर कुछ लोग बाहर से आए थे जो उनके दो तीन रिश्तेदार थे। हमें ये कॉल का पता लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, हेल्प की पूरी टीम वहां गई, देखा तो रिश्तेदार वहां से जा चुके थे और वो हमें कोई बहुत ज्यादा रिलायबल और सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए। इस करके एहतियातन तौर पे उन 10-11 बंदों को घर के अंदर क्वारंटाइन कर दिया गया। सर, सुनने में आया है जैसे उनमें छोटे बच्चे भी हैं, उनको दूध आदि की सप्लाई बंद कर दी गई है, पड़ोसियों ने उनसे बोलचाल भी बंद कर दी है, ये मामला भी सामने आया। नहीं, दूध जो भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी किसी की भी सप्लाई बंद नहीं की गई है। उनके पास मेरा अपना नंबर है, मैं खुद दे करके आया हूँ, मेरे MPHW का नंबर है, दिन में 2-3 बार मेरी आशा वर्कर वहां विजिट कर रही है और किसी भी चीज की जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं किसी भी ह्यूमन बींग को उसकी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। ये मैं बींग अ कोरोना नोडल ऑफिसर आप लोगों को श्योरिटी देता हूँ, आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर दिस। सर, खरखोदा के अलावा आसपास की किस गांव में क्वारंटाइन किया गया है, कितने बंदे रहे हैं? जैसे आपको मैं नई अपडेट जो देना चाहता हूँ वो ये है कि अभी मैं बदलान गांव में शौकत नाम का एक आदमी रहता था, उसके घर पे रात को 3 बंदे कहीं नजफगढ़ के आसपास के आए थे, तो वो 3 बंदे और 10 ऑलरेडी उस घर में थे, तो टोटल मिलाकर के 13 लोगों को क्वारंटाइन अभी मैंने सुबह उठ करके किया है आज सुबह। और इसके साथ मैं आप लोगों को यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि झूठी अफवाहों पर बहुत ज्यादा ध्यान ना दें, पैनिक ना होने दें, ये खरखोदा वासियों के लिए मेरा संदेश है, पैनिक क्रिएट ना होने दें लेकिन एहतियात सारे बरतें। और बींग ए कोरोना नोडल ऑफिसर मैं आप लोगों को बताऊं कि पुलिस और हेल्थ की टीम साथ मिलकर के काम कर रही है, लॉकडाउन तोड़ने वालों का और क्वारंटीन के आदेशों को ना मानने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सख्ती में दिन ब दिन कुछ ना कुछ बढ़ोतरी ही हो सकती है, घटाया कुछ भी नहीं जाएगा। ये देश बचाने की लड़ाई है और बाय गॉड ग्रेस फॉर्चुनेटली हम जरूर इस लड़ाई में कामयाब होंगे।